हेलो जी, आज हम लोग क्लास 12th में फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट जो हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसके बारे में कुछ देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या पढ़ना हम लोग को, तो उसमें जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो आपका कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ जो हम लोग का है वो क्या बताना चाहता है। तो कूलम्स लॉ में आपका जो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के बीच में हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ज के बीच में क्या होता है। अगर चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर दो चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है। अगर दोनों चार्ज प्लस है तो अब प्लस के बीच में क्या होता है हम लोग का, उसमें रिपल्सन होता है। दो चार्ज अगर प्लस में है तो उसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। एक माइनस है, दूसरा भी माइनस है, उसमें क्या होता है, रिपल्सन होता है। एक प्लस है और एक माइनस है, उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ये आपको प्रॉपर्टी पढ़ेगा चार्ज का, जो प्रॉपर्टी उसको पढ़ेंगे, अट्रैक्शन होता है। और माइनस प्लस है वहां भी क्या होगा, अट्रैक्शन। इस चार्ज का अपना प्रॉपर्टी है, लाइक चार्ज में रिपल्सन होता है, अनलाइक चार्ज में अट्रैक्शन होता है। अब आता है कि जब अट्रैक्शन कर रहा है या रिपल्सन कर रहा है तो कितने फोर्स के साथ उसको अट्रैक्ट कर रहा है, या अगर रिपेल करना चाह रहा है तो कितना फोर्स के साथ वो एक दूसरे से रिपेल कर रहा है। तो वह जो फोर्स जो है, कितने फोर्स के साथ चार्ज को अपनी ओर खींच रहा है, या कितने फोर्स के साथ दोनों एक दूसरे से इंट्रैक्ट हो रहा है, दूसरे से दूर जाना है, वह फोर्स जो है, वह जो फोर्स अप्लाई एक दूसरे के पर कर रहा है, उसको जो है कूलम्स के द्वारा निकाला है। कूलम साइंटिस्ट उसके द्वारा निकाला है। तो कूलम्स ने वही बताया था कि जब दो पॉइंट चार्ज, यहाँ हम लोग बात करेंगे पॉइंट चार्ज, स्मॉल चार्ज हम लोग यहाँ पे यूज क्या करेंगे, हम लोग पॉइंट चार्ज। यहाँ हमेशा जो चार्ज है वो कैसा चार्ज है आपका, पॉइंट चार्ज के बारे में बताया गया कि पॉइंट चार्ज, अगर दो पॉइंट चार्ज होता है तो दोनों पॉइंट चार्ज एक दूसरे पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा, कितने फोर्स के साथ दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, वह कूलम्स के बताया गया। तो कूलम्स ने क्या बताया कि अगर दो चार्ज होता है, ये आपका चार्ज है और दूसरा चार्ज यहाँ पर है, दो चार्ज है लिया गया। फर्स्ट चार्ज क्यू वन मान लेते हैं, दूसरा चार्ज को क्या माने, क्यू टू चार्ज बोलेगा। अब डिपेंड करता है प्लस माइनस क्या, उससे मतलब नहीं है। अगर प्लस प्लस रहेगा तो हम जान ही नहीं, दोनों प्लस है तो रिपल्सन होगा, एक प्लस एक माइनस है तो अट्रैक्ट करेगा। और दोनों के जो सेंटर से जो बीच की दूरी है उसकी है, चार्ज का जो है उसके डिस्टेंस को क्या मान लिया, क्या डिस्टेंस को आर मान लिया। अब यहां पर क्या कहना चाह रहा है कि जो चार्ज आपका Q1 है, अब ये चार्ज इसको लगाएगा, यह चार्ज जो है अगर इसके साथ हो रहा है, इससे इसमें क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा। अगर दोनों का एक प्लस एक माइनस, दोनों एक दूसरे को खींचेगा तो वह इसको खींच रहा है, ये इधर से खींचेगा, वह फोर्स अप्लाई करेगा। अगर रिपल्सन होगा तो ये इधर जाएगा और ये भी इधर जाएगा। अब ये जो फोर्स होगा वह कैसा होगा, एक लाइन में फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, और ए फोर्स होगा इस डायरेक्शन में होगा, इस तरह से होता है। तो यहां पर क्या क्या कहना चाह रहा है कि जो फोर्स अप्लाई करता है वह क्या होता है। तो कूलम्स ने बताया कि फोर्स जो होता है, या फोर्स इंट्रैक्शन जो आपका है, जो एक दूसरे पर जो बल लग रहा है, जो बल लगाया जाएगा वह जो है चार्ज का, है ना, चार्ज का जो है वह क्या होता है, प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। वह कहना चाह रहे थे कि जो फोर्स अप्लाई करेगा एक दूसरे पर, जो बल लगाएगा वह चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का। कहने मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर कि चार्ज जितना ज्यादा होगा वह फोर्स भी उतना ही ज्यादा लगेगा। अगर ये चार्ज ज्यादा है, ये भी चार्ज ज्यादा है, तो वो जितना ज्यादा चार्ज होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होगा वह क्या, उतना ही ज्यादा होगा। इससे कहने मतलब ये हो रहा है कि फोर्स जो है वह चार्ज के प्रोडक्ट का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। जितना ज्यादा चार्ज होगा फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा, एक चीज हो गया। और दूसरा क्या बताया उसने, दूसरा बताया गया कि जो फोर्स जो है वह उसके डिस्टेंस का, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर लिया गया। तो दोनों के बीच के डिस्टेंस का क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या है, वो स्क्वायर है। अब इस पर ध्यान दें कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि आर का डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, अगर वो डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा वो फोर्स क्या होगा, उतना ही कम होगा। डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स उतना ही ज्यादा होगा।
तो यहाँ कहना चाह रहे कि डिस्टेंस का क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर हो गया, मैंने अगर दोनों के चार्ज के बीच का अगर डिस्टेंस हम कम कर देंगे, अगर कम रहेगा तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, और अगर फोर्स अगर डिस्टेंस बढ़ा दिया जाएगा तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो होगा वो उतना ही कम हो जाएगा। कितना गुना कम होगा वो आगे हम लोग बताएंगे क्या। तो एक दो चीज बताया, चार्ज के साथ और डिस्टेंस का। तो अब दोनों को अगर मिला दिया जाए तो फोर्स क्या होता है, फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, की वन की टू बाय आर स्क्वायर हो जाता है। दोनों को मिला देंगे तो अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको एक कॉन्स्टेंट टर्म माना गया, उसको के लिया गया है, के की वन की टू बाय आर स्क्वायर। अब के का भी यहां पर है, के एक तरह से क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट कहा जाता है। और के जो है वो डिपेंड करता है, के जो है वो आपके जो सराउंडिंग पर है वो डिपेंड करेगा, एयर में है, वैक्यूम में है, या किस बॉड में चार्ज है उस पर डिपेंड करता है। तो वह जो है के को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट कहा जाता है। अब के का वैल्यू भी होता है, के का हम लोग वैल्यू भी पढ़ेंगे और के का अलग से निकालेंगे भी हम लोग क्या क्या इसका वैल्यू होता है, एसआई यूनिट में क्या होता है, सीजीएस में क्या होता है। तो एक जो फर्स्ट जो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला बनता है हम लोग का, एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, जहां पर के आपका क्या होता है, के जो आपका है वह हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कॉन्स्टेंट होता है, ये हो जाता है, इसको कहते हैं। और इसका जो वैल्यू जो आता है, के का जो वैल्यू होता है वह जो है वह क्या है, 9×10⁻⁹ होता है। के का जो वैल्यू है वैक्यूम में, एयर या वैक्यूम लगभग वैल्यू सेम होता है, वहां पर ऐसा जो वैल्यू माना गया के का वह 9×10⁹ होता है। यूनिट यहां से इसको हम निकाल लेंगे, के का फॉर्मूला यहां से क्या निकलेगा, के से निकालेंगे तो एफ आर स्क्वायर क्यू वन बाई क्यू टू हो जाएगा। तो फोर्स का क्या हो जाएगा हम लोग का, न्यूटन हो जाएगा, फिर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और क्यू वन क्यू टू चार्ज का कूलम हो गया, पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका क्या होता है वैल्यू हो जाता है। तो के का जो वैल्यू हो जाता है फ्री स्पेस में वह वैल्यू जो है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और क्या हो जाता है आपका इसमें जो है, और इसका जो वैल्यू होता है के बराबर वह 1/4πε₀ ये इसका जो है फॉर्मूला होता है, 1/4πε₀ होता है। ए हम लोग का हो गया के, के क्या आपका नेचर पर डिपेंड करता है, यहां पर जो के है वह के क्या नेचर पर डिपेंड करता है। तो ये बेसिक चीज आपका यह था कूलम्स लॉ में क्या बताया गया कि कूलम्स लॉ जो है वह दो चार्ज के बीच का फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन के बारे में बताता है। फोर्स जो है वह क्या होता है, चार्ज के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और दोनों के बीच के डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर होता है। दोनों को मिला दिया गया तो एफ क्या हो गया, क्यू वन क्यू टू बाय आर हो जाता है। इस डायरेक्टली को हटाने के लिए एक कांस्टेंट टर्म के माना गया है, के क्यू वन क्यू टू बाय आर हो जाता है। अब ये जो के का वैल्यू जो होता है, के क्या है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट कहा जाता है, या इसका वैल्यू जो है वो नेचर पर डिपेंड करता है, किस जगह पर चार्ज को रखा गया है वह आपके पर डिपेंड करे, एयर है, वैक्यूम है, मेटल्स है, माइका है, अलग अलग वाटर है, अलग अलग का वैल्यू होता है के का, वहां पे इसको भी माना गया इसका। और के का जो वैल्यू रखा जो होता है वह एयर या वैक्यूम है जो वैल्यू होता है वो 9×10⁹ होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। और एक फॉर्मूला इसका है 1/4πε₀ एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो इसका जो इसको कहा जाता है उस फॉर्मूला, इसका हम लोग आगे डिटेल भी देखेंगे क्या इसका यूनिट होगा, क्या डायमेंशन होगा, क्या फॉर्मूला होगा, वो चीज पर देखेंगे हम लोग। अब इसका स्टेटमेंट है, इसका स्टेटमेंट हम पहले लिख देते हैं इसको पहले।
इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट आपका है कि द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। वही बताया गया फोर्स का जो है वो क्या बताया गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, वह जो है फोर्स का स्क्वायर होता है इनवर्सली। तो इसी चीज को जो है वो पूरा स्टेटमेंट में लिखा गया। तो आप पहले एग्जाम में स्टेटमेंट लिखिएगा, फिर आपका जो है सो टोटल रजिस्टर आप लिखा, ठीक है, फिर से राइट डाउन कीजिए, फिर इसमें आगे और बताते इसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे और क्या आगे हम लोग करना है इसमें। अब यहां से जो आगे हम लोग देखेंगे कि एफ का फॉर्मूला क्या बन जाए हम लोग, अब एफ क्या था, अब इसका जो वैल्यू जो आएगा वो, तो एफ बराबर क्या हो गया, एफ बराबर वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। ये आपका कूलम्स लॉ का फॉर्मूला बन गया, ये आ गया आपका। तो कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला जो फाइनल आपके पास आएगा वह क्या आएगा, एफ बराबर वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, ये आपका कूलम्स लॉ। यहां बताया गया था के क्या होता है आपका, के जो का जो वैल्यू जो है वह नेचर पर डिपेंड करता है, और उसको जो वैल्यू हम निकाल देते हैं 9.9×10⁻¹ होता है, उसको लिखा दिया गया था। ये आपका टोटल पार्ट क्या हो गया, के जो पार्ट लिखा गया यहाँ पर हम लोग का कि के का जो वैल्यू है, के का वैल्यू क्या हो गया था, फॉर्मूला 1/4πε₀ था, और इसका जो वैल्यू था k का वैल्यू हो गया, तो k का क्या 1/4πε₀ हो गया। ये ε₀ को हम लोग क्या कहते हैं, ये ε₀ को हम लोग को निकालना है। तो अगर एग्जाम में कूलम्स लॉ आता है तो आपको क्या करना है, स्टेटमेंट लिखना है, उसके अलावा जो उसके पहले में था लिखा है वो, और लास्ट में लिखना है। तो यहां तक आप लोग को जो है सो कूलम्स लॉ करना। अब आगे क्या हम लोग को करना है इसमें, आगे हम लोग को ε₀ के बारे में जानना है, ε₀ का वैल्यू क्या है, उसका यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या, वो चीज हम लोग देखेंगे ε₀ के बारे में। तो हम ε₀ को यहां पर देखते हैं कि क्या क्या इसमें हम लोग का है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ε₀ को हम कहते हैं, इसको कहा जाता है ε₀ को एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल, इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस। आगे हम लोग इसी को देखेंगे, इसका वैल्यू क्या कितना होता है, इसका यूनिट क्या है, इसका डायमेंशन, क्योंकि एग्जाम में इसका जो है इस पर क्वेश्चन आता है। कूलम्स लॉ हो गया, स्टेटमेंट उसका हो गया, उसका फॉर्मूला हो गया, दूसरा जो आपका जो पढ़ना है वो इसी को पढ़ना है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी पढ़ना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग इसमें आते हैं किसका वैल्यू यूनिट क्या होता है। आप लोग देखते हैं कि ε₀ का वैल्यू कितना होता है, यूनिट क्या है और डायमेंशन क्या है। तो हम लोग हेडिंग क्या करेंगे, यूनिट डायमेंशन एंड वैल्यू ऑफ ε₀। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है ये तीनों, आपका इस साल तो 2024-23 में आपको पहला क्वेश्चन जो आया था उसका इसी पर आया था, इसका ε₀ का डायमेंशन बताइए, MCQ में आया था जो क्वेश्चन। तो आप पहले आते हैं इसका फॉर्मूला क्या था हम लोग का, एफ बराबर क्या था, एफ बराबर था 1/4πε₀ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, फॉर्मूला। तो ε₀ का फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर ε₀ का फॉर्मूला बात करेंगे तो ε₀ बराबर क्या आ जाएगा, 1/4πQ1Q2f r² अब यहां चला जाएगा, यहां जाएगा। अब 1/4π का तो कुछ होगा नहीं यूनिट में या डायमेंशन में, वैल्यू में तो होगा,
इसको छोड़ देंगे हम लोग, इसको निकालते हैं, तो इसका एस आई यूनिट क्या आएगा, तो इसका एस आई यूनिट जो हम लिखेंगे हम लोग, तो क्या वैल्यू क्या आएगा इसके यूनिट में, एक छोड़ दिया इसको, यहाँ क्या है चार्ज का कूलम हो गया, तो कूलम हो गया इधर भी कूलम हो गया, नीचे क्या हो गया फोर्स का न्यूटन हो गया, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर हो गया, इसका यूनिट क्या बना हम लोग का पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर हो गया, न्यूटन ऊपर गया तो पर न्यूटन मीटर ऊपर गया एम माइनस टू और कूलम और कूलम कूलम स्क्वायर हो गया, तो ए क्या हो गया इसका ए हो गया एसआई यूनिट हो गया। अब इसका आते हम लोग सर डायमेंशन आते हैं, इसका डायमेंशन क्या निकलेगा डायमेंशन, तो पहले क्या आपको ऊपर है चार्ज, चार्ज का क्या होता है डायमेंशन ए टी होता है, ये इसका ए टी हो गया, फिर बगल में चार्ज है इसका भी क्या होगा ए टी हो जाएगा, नीचे क्या आपका फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी के पावर माइनस टू हो गया, और फिर यहां से डिस्टेंस आर है एल के पावर टू आ जाएगा, तो डायमेंशन इसका क्या बनेगा एम यहां पर पहले तो एम के पावर क्या हो जाएगा माइनस वन, एल दो और एक तीन ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा एल के पावर माइनस थ्री, टी है तो टी के पावर क्या हो जाएगा टी यहां माइनस टू ऊपर टू है तो प्लस हो जाएगा फोर हो जाएगा, और ए के पावर क्या हो जाएगा ए यहां वन है और यहां वन टू है तो ए के पावर क्या होगा, ये आप इसका डायमेंशन डैड इसको ये नहीं याद करना, जब भी कोशिश के इस तरह से बनाने का तो एग्जाम में एक जरूर, क्योंकि बहुत माइनर डिफरेंस रहता है माइनस से प्लस का जो रहता है। अब इसका आता है वैल्यू, आता है वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, इसका क्या होता है इसका वैल्यू होता है 8.85 10 के पावर माइनस 12, 8.85 10 के पावर माइनस 12 यूनिट तो वही रहेगा पर न्यूटन पर मीटर प्लस, तो ये आपको तीन चीज जो आपको याद करना है, इसका यूनिट क्या हो गया डैड निकालना है, इसको डायमेंशन और इसका वैल्यू, ये तीन चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कूलम्स लॉ हो गया और इसका डायमेंशन, अब आते कुछ कूलम्स लॉ का न्यूमेरिकल देखते हैं कि कैसे इसको आता है एग्जाम में क्या बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग चार्ज दिया हुआ है, ईच आर ज्वाइंट बाय इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, फाइंड द टेंशन इन द तार, टेंशन की तरफ से क्या हो फोर्स आपको यह फाइंड करना है, फोर्स कितना होगा, दोनों का चार्ज सेम है मीन्स क्यू वन और क्यू टू का दोनों का सेम हो गया आपका 2×10 के पावर माइनस 8 कूलम हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे दिया आपका 1 मीटर दे दिया, निकालना है क्या आपको टेंशन, एक तरह से फोर्स निकालना है, फोर्स क्या हो जाएगा एफ बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, एक फॉर्मूला अप्लाई करना है फोर्स के लिए। अब यानी कि इस पूरे का वैल्यू जिसको हम लोग के बोले थे, जिसका वैल्यू क्या लिखे थे हम लोग, इसका वैल्यू क्या था 9×10⁻⁹ होता है, ये फिक्स आपको याद रखना है वैल्यू, आपको दो वैल्यू याद रखना है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अलग से, इन न्यूमेरिकल्स में हम लोग का पूरे इसका वैल्यू याद रखना है, इस 1/4π एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9×10 का बना होता है, चार्ज क्यू Q1 2×10⁻⁸, Q2 2×10⁻⁸ हो गया, बाय में क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया, तो अब क्या हो जाएगा सॉल्व कीजिए 9×2 = 8, 9 हो गया 2×4 हो गया तो 36 हो गया, 10⁻⁹ यहाँ हो गया और यहाँ कितना आएगा 8 और 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस कर देगा क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस 16 हो जाएगा, और 36×9 में से 16 चला जाएगा 7 में जाएगा 10⁻⁷ हो जाएगा न्यूटन में किया जाएगा, अगर 3.6 करते हैं तो 3.6×10⁻⁶ न्यूटन हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा फोर्स ऑफ द स्ट्रिंग, जो टेंशन है हम जो लगेगा कितना फोर्स अप्लाई करेगा
सेम चार्ज है दोनों के बीच में, क्या होगा? रिपल्सन होगा, और रिपल्सन कितना फोर्स के साथ करेगा? इतना फोर्स से रिपल्सन करेगा। तो ये आपका जो हो गया कूलम्स लॉ का हो गया। नेक्स्ट हम लोग कुछ और इसमें देखेंगे, कूलम्स लॉ में और कुछ न्यूमेरिकल्स, उसका प्रिंसिपल्स क्या होता है, ठीक है। थैंक यू।